किया गया। आज के दिन ही 1947 में आज अपना देश स्वतंत्र हुआ था, पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 1947 से दिन के उसी तरह आज 2016 को 70वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं पाई गई है, इसमें लाखों विरोधी कुर्बानियों से ये स्वतंत्रता हमें मिली है। कुछ हम स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ बाह्य कारण भी जिम्मेदार थे, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। हम कुछ राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो है इस स्वतंत्रता के 1857 के क्रांति से ही स्टार्ट हो गया था। 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, गुज्जर विद्रोह, खांसी गुज्जर सिपाही थे, मंगल पांडे जिन्होंने 1857 में मेरठ में विद्रोह किया था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के बिहार में जीत कुमार सिंह, पंजाब में जो एरिया 1857 में प्रभावित हुआ था वो था झेलम रावलपिंडी, झेलम रावलपिंडी अभी चलो पाकिस्तान में है, लेकिन झेलम में 35 ब्रिटिश पैदल सैनिकों की मार दिया गया था। 1857 की क्रांति से देश की आज़ादी का जंग शुरू हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी घटना थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय अपना देश गुलाम था, गांव गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किसी को पता भी नहीं होता था कि 1885 में कि देश में किसका शासन चल रहा है। जब कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस के गठन से देश भर में उनके मेंबर बनने लगे, लोगों को उन्होंने समझाना स्टार्ट किया कि अपने देश में अपना शासन नहीं है, विदेश का शासन चल रहा है और हमारे देश का कानून में इंडिया के कानून पारित नहीं होते, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून पारित होता है। तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 में, उसके बाद कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में आज़ादी की स्वतंत्रता की मांग होने लगी और कांग्रेस ने देश के नागरिकों को एजुकेट करने में काफ़ी सफल रहा कि हमारा देश। उसके बाद आया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल की भाजन, बंगाल का भी बंगाल सबसे बड़ी इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, उसको अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन संधि विभाजित करके देश बांटो और डालो नीति पर चल रहे थे। बंगाल विभाजन के समय बहुत स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। उसके बाद जो है हमारे स्वतंत्रता में सबसे बड़े जो योगदान हुआ 1915 में गांधी जी आए। 1893 से 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में हिंदुओं और मुसलमानों के वकील हुआ करते थे। वहाँ साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देखा था कि अंग्रेजी पानी हुकूमत का चलती थी और लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं करती थी, ब्रिटानी हुकूमत बहुत ही गॉडलेस था। 1915 में जब गांधी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया नियम था कि बिहार में नील किसानों के लिए उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया। फिर 1919 में एक पंजाब से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना हुई, जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। वहीं पर वो रेनिगन डायर एक रेनिगन डायर, उन्होंने जो मेन गेट था जालियांवाला बाग उसको बंद करके उसमें गोरखा बटालियन से उसमें गोलियां चलवा दी। सारे जीत के खिलाफ जब तक जितने उनके बटालियन में गोलियां चलाती गई ऑफिसियल थी तो कम से कम था कि 400 लोग मार गए, लेकिन कम से कम एक लाख
प्रदेश में मारे गए। जालियांवाला बाग रॉलेट के खिलाफ था और सिद्धी रॉलेट एक जज थे, उन्होंने रॉलेट एक पास किया था। रॉलेट एक में था कि बिना किसी को पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दिया गया था, बिना किसी वारंट को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को अनगिनत समय तक उसको जेल में डाल सकते हैं। रॉलेट एक के था कि उसके बोला था कि ना वकील ना दलील ना अपील। रॉलेट एक के बारे में भी गांधी जी को नहीं समझा। 1922 तक चला असहयोग आंदोलन। गांधी जी ये कहना था कि जो भारतीय सहयोग करते हैं, जब ब्रिटिश पानी हुकूमत के साथ, उसी से उनका हुकूमत चल रहा है। अगर भारत के लोग उनकी हुकूमत से सहयोग करते हैं तो भारत को अंग्रेज स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर हो गए। 1920 से 1922 तक चला गांधी जी का आंदोलन बहुत ही अहिंसक था। 1922 में चौड़ा में जो हिंसा हुई उसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। फिर पंजाब से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना घटी थी 1928 में एक सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए भारत आई थी। उसमें सेव स्टाफ के साथ मेंबर्स ब्रिटिश थे, इसीलिए विरोध हो रहा था कि एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। जो साइमन कमीशन 1928 अक्टूबर महीने में लाहौर आई तो लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक करके भर काले झंडा भी खिलाया और लाला लाजपत राय को टारगेट करके उनको लाठियां बरसाई गया। लाला लाजपत राय को मार दिया। भरत सिंह ज्वलित हो गए, उन्होंने बोला कि लाला जी के मैं बदला लूंगा, लाला जी की हत्या की बदला लूंगा। और उन्होंने लाला लाजपत राय के हत्या की बदला के लिए एक जो मारा था वो तो मिस्टेकन आइडेंटिटी में उन्होंने जॉन की स्टॉन्डर नाम के पुलिस के पी एस पी को उन्होंने मार दिया। बाद में कोई आया है भगत सिंह पकड़े गए, उन्हें भगत सिंह राजगुरु नामी को फांसी दे दी गई। फिर 1930 में 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। फिर 1930 से 1932 तक अपना साल्ट आंदोलन चलाए। अंग्रेज लोग भारतीयों को जो साल्ट बनाते थे उसमें कर लेते थे, टैक्स लेते थे। अंग्रेज लोग जो भी आम भारतीय थे जो समुद्र के किनारे नमक बनाते थे उस पर टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। उसी को भंग करने के लिए साबरमती चलो का आंदोलन चला के गांधी जी ने आंदोलन चलाया। उसके बाद नन कोऑपरेशन भी बोलेंगे, सारे भारतीय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया। जो भी लोग भारतीय हैं इसके जो ब्रिटिश फोर्स में काम करते हैं उन लोगों ने बोला कि आप नौकरी छोड़ो। बहुत से लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दिया। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में थे, गांधी जी के इस आंदोलन से नमक सारे आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। 9 अगस्त मुंबई में जो आंदोलन चलाया गया, मुंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, गांधी जी ने बोला क्विट इंडिया। कांग्रेस पूरा अंग्रेजों को बोला कि भारत छोड़ो और क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जोर शोर से चलाया, बहुत तेजी से ही चला। फिर इसके पीछे आज़ादी के लिए इतना जो राष्ट्रीय आंदोलन था, कुछ आंदोलन पर्दे के पीछे चल रहा था, जैसे कि था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का ऐसे तो मोहन सिंह एक सरदार जी थे, उन्होंने मलेशिया में किया था, लेकिन बाद में 1942 में वो संगठन ज़्यादातर चला नहीं। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस उन्होंने हिटलर से मिले, हिटलर ने उन्हें बोला कि सिंगापुर उस समय जापान उन्होंने कब्जा कर लिया था, सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की। तो आज़ाद हिंद फौज पर्दे के पीछे काम कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज का से
बहुत अंग्रेज डरते थे, आजाद हिंद फौज की संख्या को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाई जाती थी, मेरे को लगता था कि आजाद हिंद फौज इंडिया पर अटैक कर देगा, जापान और जर्मनी के सहयोग से हैं और पूरे अंग्रेजों को बंधक बनाकर मार देगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना से भी भारत की आज़ादी की मार्ग पर तेज थी। इसके अलावा कुछ दो एक्सटर्नल फैक्टर भी थे जिनके किताबों में जिक्र कम है, जो हमारे आज़ादी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। एक्सटर्नल फैक्टर में था 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड फोर्सेज में तो इंग्लैंड था, फ्रांस थे, अमेरिका रूस, इसके बाद में अमेरिका रूस में इंग्लैंड को साथ दिया था, एक्सिस फोर्स में था, जापान थे, जर्मनी था, इटली था। जापान ऐसे तो द्वितीय विश्व युद्ध में लाइट फोर्सेस की जीत हुई थी, लेकिन अंग्रेजों का कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जो एशिया में था, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, कोई ऐसा ठिकाना नहीं था अंग्रेजों का जिस पर हिटलर ने बम्बारी नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर ने जो अंग्रेजों को जब दिए भारत के सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं दे पाए। तो उन्हें जो 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई थी, उनका अपना देश चलाना मुश्किल हो रहा था। तो एकदम दिवस हो गए भारत को आज़ाद कराने के लिए। और दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर था लेबर पार्टी की सरकार। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी ने एक घोषणा पत्र में था कि हम जैसी आज़ादी मिलेगी इंडिया को, हम जैसी वोटे टू पावर, अगर लेबर पार्टी की सरकार बनी तो हम इंडिया को आज़ाद करा देंगे। ये वोटे टू पावर वी विल एडवांस इंडिया फॉर रेस्पेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, उनके मैनिफेस्टो में था लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लुइस माउंटबेटन को आज़ाद पावर ट्रांसफर के लिए भेजा। लुइस माउंटबेटन आया 1947 में। लुइस माउंटबेटन का नाम था लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विल्कट निकोलस माउंटबेटन, उन्हें फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी बोला जाता है। जब बर्मा पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था तो दोबारा जब रिकैप्चर इंग्लैंड ने किया तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी बोला गया। जब 1947 में लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विल्कट निकोलस माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने सभी लोगों से बातचीतें स्टार्ट कर दिया, जो मुस्लिम लीग थे, जो कांग्रेस थे, जो क्रिश्चियन स्टेट थे, सबसे बातचीत करते। उस समय भारत की स्थिति बहुत कमजोर डिस्टर्बेंस हो गया, चारों तरफ दंगे भड़कने लगे। उन लोग आए थे, जब माउंटबेटन जब आए थे तो प्लानिंग लेके आए कि 1948 में भारत को आज़ाद कराना, लेकिन जो दंगे भड़कने लगे उससे उनको लगा कि अंग्रेजों की काफ़ी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत को हिंदू और सिखों का देश, पाकिस्तान को मुसलमानों का देश जल्दी से बांट दे, दंगा कम हो जाएगा, अंग्रेजों की बदनामी कम। तो उन्होंने टीकोन कर दिया इंडिपेंडेंस का। तो उनका इतना दंगा भड़कने लगे कि हम 15 अगस्त महीना में भी आज़ाद, 3 जून को माउंटबेटन प्लान लागू हुआ, उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन बोला 15 अगस्त को क्यों आज़ाद कर रहे हैं, बोला कि इसी दिन एलाइड फोर्सेज के सामने, एलाइड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर थे, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था इन्हीं के सामने, लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन के सामने जापानियों ने सरेंडर किया था। इसी दिन को कमोमरेट करने के लिए, इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हो। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को बहुत ही अशुभ दिन है, दूसरा दिन सुझाया 15 अगस्त को आज़ाद न करें, ये सुन दूसरा दिन सुझाया तो मालूम नहीं हुई 15 अगस्त को। फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आज़ादी जो होगी तो चलो हिंदू में सुबह के सूर्योदय के बाद दिन की शुरुआत होती है, उन्होंने सुझाया कि मिड नाइट को आज़ाद होगी। तो उसी मिड नाइट को एक समय दिया गया अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त था 14:51 से 15 अगस्त के 12:38 उसी समय उसी शुभ मुहूर्त में गांधी जी को अपना फेमस भाषण दिया गांधी, और उसी समय 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। उसी
आजाद आधी रात को हुआ, उसी लिए एक फेमस बुक भी है फ्रीडम एट मिड नाइट, फ्रीडम एट मिड नाइट हमने लाइब्रेरी डेली कॉलेज से लिखा किताब है, इसमें आज़ादी के परिस्थितियों का काफ़ी बढ़िया से जिक्र किया है। उसी में समान स्थिति के लिए किताब में मिड नाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट चिल्ड्रन में भी उन्होंने जो इन दिल्ली नाइट को 15 अगस्त को जन्म लिए थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आज़ादी में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा जो एक्सटर्नल टू फैक्टर्स है, लेबर पार्टी की सरकार बनना बहुत बड़ी भूमिका थी। लेबर पार्टी की सरकार नहीं बनती तो आज़ादी वो लोग 10 साल 20 साल और टाल सकते, उनको कोई कंपल्सन नहीं, क्योंकि जो द्वितीय बीज था उसमें लाइट फोर्सेस की विजय हुई। लेकिन जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वी विल एडवांस फॉर इंडिया टू रिस्पेक्ट टू सेल्फ गवर्नमेंट, और लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लेमेंट रेटली ने अपने वादों को निभाया और भारत को नेशनल मूवमेंट के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी शामिल था। और इतनी मुश्किलों से, इतनी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो हमें इस आज़ादी को बनाए रखना है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है, जिसकी आज़ादी पर कोई कलंक न लगे, और सभी देशवासियों को मिलकर रहना चाहिए, आज़ादी पर कभी कोई आँच ना आए, इसलिए सभी देशवासियों को मिलकर रहना।